इधर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्कूल में शिक्षकों की कमी का छात्रों ने विरोध किया। करीब 500 से ज्यादा स्कूली बच्चे शिक्षकों की मांग के साथ सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की गई। बच्चों के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही शिक्षा अधिकारी समेत पुलिस बल वहां पहुंच गया, जो बच्चों को समझा बुझाकर वापस स्कूल लेकर आए। आरोप है कि कई बार अधिकारियों को शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आवेदन किया गया, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रहा है क्योंकि टीचर ही नहीं है। हालांकि प्रदर्शन के बाद शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को एक हफ्ते के अंदर नए शिक्षकों की नियुक्ति का भरोसा दिया है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने अवैध खनन मामले में उन्हें समन्स भेजे और पूछताछ के लिए रांची के दफ्तर में बुलाया। ईडी ने रांची पुलिस को भी चिट्ठी लिखकर ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक अवैध खनन केस में गिरफ्तार पंकज मिश्रा के घर से हेमंत सोरेन का नाम लिखे बैंकों के दस्तावेज मिले। बड़ी खबर ट्विटर से जुड़ी हुई, क्योंकि जब से एलन मस्क दफ्तर पहुंचे एक के बाद एक बड़े फैसले हम उनके देख रहे हैं और अब माना यह जा रहा है कि ट्विटर में बड़े पैमाने पर कटौती होगी। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है 3700 लोगों की छुट्टी हो सकती है, यानी कि नौकरी से निकालने की तैयारी एलन मस्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले सीईओ पर गाज गिरती है जिस तरीके से वो सिंक लेकर पहुंचे, और अब ये दावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया कि 3700 लोगों की सूची हुई है तैयार जिनकी नौकरी से होने वाली है छुट्टी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में दो गुटों के बीच हुआ झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस पर ही हमला हो गया और कुछ लोगों ने एक कांस्टेबल की वर्दी फाड़ दी, जिसके बाद पास के थाने को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दो महिला समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। कुल 11 इसमें नामजद लोग हैं। पुलिस शिकायत दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई।